हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। 2 जून 2019 सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 5 बड़ी खबरें लेके आया हूँ। आपको सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाए जाएंगे, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए हमारे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए आपको एक एक करके सारे न्यूज़ दिखाते हैं। पहली न्यूज़ जो आ रही है, जो CGHS के एम्प्लॉयज़ हैं, CGHS के जो बेनिफिशरीज हैं उनके रिगार्डिंग आ रही है। आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप ट्रीटमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल्स इंपैनल अंडर CGHS इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकली CGHS बेनिफिशरीज रिगार्डिंग। यानी कि आप जो भी यार क्रिटिकली किसी चीज़ में अगर बीमार हैं तो आप जो है CGHS के जो भी इंपैनल्ड हॉस्पिटल हैं उन सब में आप दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं एक पहला नंबर के और दूसरा नंबर पॉइंट आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो ABCDEFG तक जो भी डिसीज़ है इन सब में आप जो है उनके जो इंपैनल्ड हॉस्पिटल हैं उन सब में आप उनको जो है फॉलोअप कर सकते हैं उन सभी डिसीज़ को। चलिए आपको सेकंड न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है, सभी पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कुछ भी या जो भी है, टोल फ्री नंबर आप सामने देख सकते हैं 1800111960। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 1800111960। ये जो है सभी जो भी रिटायरमेंट एम्प्लॉयज़ हैं आप देख सकते हैं उन सबके लिए, पेंशनर्स के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें अपना वो कुछ भी शिकायत है या उनको पेंशन नहीं मिले या जो भी उनको प्रॉब्लम है इस नंबर पर कॉल करके आप जो है उनको बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, उसका तुरंत से जल्दी जो तुरंत प्रभाव से उसमें आपके लिए जो भी काम सरकार से होगा उसमें काम किया जाएगा। चलिए थर्ड न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। तीसरी न्यूज़ भी आ रही है, जो CGHS के बेनिफिशरीज हैं जो 75 ईयर्स या उससे ऊपर के हैं उसमें CGHS इंपैनल्ड हॉस्पिटल में जो कंसल्टेशन और स्पेशलिस्ट हैं वो उसमें अब जो है इंक्लूड किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें, विद रेफरेंस टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट द अंडर साइन इज डायरेक्टेड टू स्टेट दैट द मैटर रिलैक्स टू रिलैक्सेशन ऑफ कंसल्टेशन नॉर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एल्डरली CGHS बेनिफिशरीज वॉज अंडर कंसिडरेशन ऑफ दिस मिनिस्ट्री एंड इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड दैट हेयर आफ्टर CGHS बेनिफिशरीज एजड 75 ईयर्स एंड अबव शैल बी परमिटेड टू सीक डायरेक्टेड OPD कंसल्टेशन फ्रॉम द स्पेशलिस्ट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंपैनल्ड अंडर CGHS विदाउट रेफरल फ्रॉम CGHS बैनर वेलनेस सेंटर। यानी कि बिना किसी रेफर के CGHS वेलनेस सेंटर के रेफर के आप जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं हम जो भी उनके इंपैनल्ड में होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। चलिए आपको नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है, रेलवे की जो 1900 ग्रेड पे भी जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो अपार है उसमें उनको इंट्रोडक्शन किए गए, उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविजन फॉर राइटिंग ऑफ अपार ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज वर्किंग इन पेमेंट वन ग्रेड पे ऑफ रेट 1900 लेवल टू क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग। यानी कि जो भी रेलवे के पेमेंट वन और ग्रेड पे 1900 पे जो भी लेवल टू पर हैं उनमें आप देख सकते हैं जो भी अपार भर सकते हैं रेलवे एम्प्लॉयज़ की उसी को उसमें इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। चलिए आपको लास्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। लास्ट न्यूज़ जो है, जो लबासना है जिसे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी है जहाँ पर IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, उसमें एक पोस्ट होती है ड्रेसर या डिस्पेंसरी की, उसमें जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसमें कई सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ आ रही है। स्पेशली उसमें जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो लेवल 3 उनका जो ग्रेड पे होता है उसके रिगार्डिंग किए गए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, अमेंडमेंट इन द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रेसर डिस्पेंसरी इन लबासना मसूरी ETC। तो मैंने आपको 5 न्यूज़ बता दी है। वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।